हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड जैसे कि आपको टाइटल पर के पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बिगिनर्स मेकअप किट या फिर ब्राइडल मेकअप किट भी आप बोल सकते हो, विच अ बिलो ₹500। तो जी हाँ, यहाँ पे जितना सारा प्रोडक्ट है मेरा, सारा का सारा बिलो ₹500 का प्रोडक्ट्स है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो किया था उसमें मैं आप लोगों के साथ कोई लिपस्टिक शेयर नहीं कर पाई थी, इसलिए आज मैं आप लोगों को कुछ लिपस्टिक्स दिखाऊंगी एंड बाकी भी कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि फाउंडेशन, प्राइमर, ब्लश, हाइलाइटर। तो जिन लोगों को बिगिनर्स, एज अ बिगिनर जो लोग ये प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर कोई अपने ब्राइडल कलेक्शन के लिए भी अगर बिलो 500 की प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो वो भी यहां से परचेस कर सकते हैं। इसमें एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसका क्वालिटी खराब हो। मैं खुद सारे के सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूं एंड मैं बहुत रिसर्च करने के बाद जाके मैं प्रोडक्ट को चूज की हूं आज के वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बैग आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग मेकअप कैरी करने के लिए भी यूज कर सकते हो, ब्राइडल मेकअप किट के लिए यूज कर सकते हो। तो ये बैग मुझे हाउस ऑफ मेकअप ब्रांड से मिला था, मैं इसका कुछ प्रोडक्ट्स परचेस किया था, वहां से मुझे ये बैग फ्री में मिला था। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या प्रोडक्ट है। तो जी हाँ, ये है सारे प्रोडक्ट्स विच नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमर से, क्योंकि सबसे पहला चीज तो वही होता है यू नो मेकअप प्रोडक्ट में। तो जी हाँ, ये है मेरे पास जो बिलो 500 का प्राइमर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, वो है इनसाइड कॉस्मेटिक्स के तरफ से 3-in-1 प्राइमर प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइजर। ये लॉन्ग लास्टिंग है, 30 ml का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एंड ये बिल्कुल सिलिकॉन बेस में आता है। ₹240 प्राइस है, 3 ईयर्स का शेल्फ लाइफ है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैं इसको यूज की हूँ, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। सच कहूँ तो इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से ये प्राइमर बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोग देख सकते हो इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल सिलिकॉन बेस में है एंड स्किन को एकदम से स्मूथ कर देता है। बहुत ही अच्छा एक प्राइमर है, अगर आप बिगिनर हो फिर भी यूज कर सकते हो, अगर आप ब्राइड हो, वुड बी ब्राइड हो, न्यूली ब्राइड हो, बहुत ही अच्छा होगा ये आपके लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में मेरे पास कुछ ऑप्शंस में रखी हूँ, ये दो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो। ये है लैक्मे की तरफ से लैक्मे 925 एंड ये वाला है इनसाइड कॉस्मेटिक्स, अगेन इनसाइड कॉस्मेटिक्स है एंड इनसाइड कॉस्मेटिक्स की तरफ से अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन वाला फाउंडेशन इनसाइड कॉस्मेटिक्स का। ये मैं सजेस्ट करूंगी बिगिनर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल यू नो लाइट कवरेज आपको मिलेगा, बहुत ही हल्का वाला कवरेज। जो लोग एकदम नो मेकअप मेकअप लुक पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ये मैं फाउंडेशन में बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी। बहुत ही अच्छा क्वालिटी की ये फाउंडेशन है। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, 175, सिर्फ और सिर्फ ₹175 है इसका प्राइस। यहाँ पे फुल कवरेज मेंशन किया हुआ है लेकिन ये फुल कवरेज है नहीं। इसमें आपको SPF मिलेगा 15 की एंड ये आप लोग देख सकते हो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, मेरे स्किन टोन के साथ एकदम परफेक्टली मैच कर जाता है। इसको ब्लेंड करने के लिए आपको कोई ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से अपने फिंगर से ब्लेंड हो जाता है, एकदम लाइट वेट, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आपको हल्का सा एक कवरेज भी देगा। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी एंड बिलो ₹200 में आपको ये मिलता है। दूसरा है लैक्मे 925, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ये बिल्कुल आपको फुल कवरेज आपको मिलेगा इसमें से। तो जो लोग ब्राइड है, मतलब न्यूली वेड है या फिर जिन लोगों का ब्राइड भी है, अगर 500 बिलो 500 में आपका बजट है तो आप इसको आराम से ले सकते हो। इसमें आपको प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन मिलेगा, तो अगर आप चाहो तो आप प्राइमर अलग से यूज नहीं भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप इसको यूज कर सकते हो ओवर द मॉइस्चराइजर एंड ये आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। इसका प्राइस है ₹475। इसका बिल्कुल पूरा फुल रिव्यू मेरे चैनल में किया हुआ है, तो आप लोग चाहो तो मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हो, लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट मूव ऑन करती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि मैं फेसेस कनाडा की रिकमेंड करूंगी। ये प्रेस्ड पाउडर है, इसका प्राइस है ₹429। आप चाहो तो आप मेबलिन का भी यूज कर सकते हो, मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, लेकिन ये जो है ये उससे थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा आपको ज्यादा यू नो कवरेज मिलेगा। तो अगर ब्राइडल पर्पज के लिए आपको यूज करना है बिलो 500 रुपीज में तो आप इसको जरूर परचेस कर सकते हो। तो ये आपको ऐसा ब्रश मिलेगा एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है ये कॉम्पैक्ट पाउडर एंड बहुत ही क्रीमी, बटरी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चौकी या पाउडरी नहीं है। तो अगर आपको बिलो 500 रुपीज में कोई कॉम्पैक्ट चाहिए तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद मैं मूव ऑन करती हूँ हाईलाइटर पे। तो हाईलाइटर जो मेरा फेवरेट है, मैं दो आपको अगेन रिकमेंड करूंगी। एक है फिर से इनसाइड कॉस्मेटिक्स का, ये एक स्टिक हाईलाइटर है, आप लोग देख सकते हो, एंड ये है वेट एंड वाइल्ड का।
पाउडर हाइलाइटर जो होता है, तो ये तो मैं बहुत दिन से यूज कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो ये 499 या फिर 500 का ही आता है प्राइस, एंड बहुत ही अच्छा एक हाइलाइटर है जिसमें आपको बिल्कुल फुल ऑन पिगमेंटेशन मिलेगा, बट बिल्कुल भी चौकी या पाउडरी नहीं है। थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको, एंड इसका जो शेड है मेरा ये है प्रीशियस पेटल। इसमें आपको दो तीन तरह का शेड मिलेगा, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से चूज कर सकते हो। एंड दूसरा जो स्टिक वाला है ये कुछ इस तरह का है, पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, एंड इसका जो प्राइस है ये 220 रुपीज का प्राइस है। तो ये भी मुझे अच्छा ही लगता है। इसका जो हाइलाइटर है आप लोग देख सकते हो, ये आपको ऐसे ट्विस्ट करने से ये निकलता है, एंड बहुत ही अच्छा इसका भी शेड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोज गोल्ड काइंड ऑफ शेड है, ऐसे है कुछ इस तरह का, लेकिन इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा चंकी ग्लिटर है। तो जिन लोगों को चंकी ग्लिटर अच्छा नहीं लगता है वो लोग स्किप कर सकते हैं, वो लोग पाउडर हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज इट। पीछे यहाँ पे एक स्पंज दिया हुआ है जिसकी मदद से आप चाहो तो आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, ये वाला स्पंज आप किसी और भी काम में आप यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से मुझे ये काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं मूव ऑन करती हूँ कंसीलर पे। तो कंसीलर मेरे पास एक ही है मैं जो आपको रिकमेंड कर सकती हूँ बिलो 500 रुपीज के, वो है मेबलिन की। मेबलिन की ये एज रिवाइंड कंसीलर है, मेरा शेड है नंबर 10 लाइट, आई गेस इसका प्राइस 499 या फिर 450 है। बहुत ही अच्छा कंसीलर है, इसके बारे में कुछ बोलने का जरूरत नहीं, बिल्कुल फुल कवरेज आपको मिलेगा। एंड ये है इसका शेड, आप लोग देख सकते हो मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइटर है। तो जैसे कि आप लोग इसका कवरेज देख सकते हो, इसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर फुल कवरेज मिलता है। तो बहुत ही अच्छा कंसीलर है जो आपके डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकता है, आपके रेड स्पॉट्स चेहरे में जो कुछ भी है डार्क स्पॉट्स उसको अच्छे तरह से हाइड कर देगा। तो अगर आप बिगिनर हो फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, अगर आप ब्राइड हो फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैं ब्लश के बारे में बात करूंगी। तो ब्लश में अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है वेट एंड वाइल्ड का, दूसरा ऑप्शन है स्टेक वर्की का जो कि कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया था। दोनों ही बहुत ही ज्यादा फेवरेट है मेरा। सबसे पहले वेट एंड वाइल्ड का बात कर लेते हैं, प्राइस 399 रुपीज है, एंड ये वाला जो शेड है मेलो वाइन। तो बेसिकली जिन लोगों का डस्की स्किन है उन लोगों के लिए ये जो कलर है बहुत ही अच्छा मतलब लगेगा उन लोगों के ऊपर, एंड जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन, बहुत ही मतलब 10/10 पिगमेंटेड है, पिगमेंटेशन है इसमें, एंड बिल्कुल भी कोई चंकी ग्लिटर चंकी पार्टिकल्स इसमें नहीं है। तो बेसिकली ये एक मैट ब्लश है जो कि हर एक तरह के स्किन टोन के लिए मतलब सुइटेबल है। नेक्स्ट जो ब्लश मैं आप लोगों को बोली हूँ स्टेक वर्की का, इसमें मेरा शेड है पीच लेडी, तो इसे 270 रुपीज। अगेन ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आपका बजट 500 बिलो 500 है। इसका जो शेड है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा डार्क है, पीच मुझे नहीं लगता है, ये मुझे थोड़ा सा पिंक शेड में ही लगता है, लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हो बहुत ही छोटा छोटा एक स्पार्कल काइंड ऑफ है, ग्लिटरी पार्टिकल्स है जो कि बहुत ही हल्का है, लेकिन पिगमेंटेशन मतलब बैंग ऑन पिगमेंटेशन है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर ब्लश है ये मैं ब्राइट के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी। वेट एंड वाइल्ड का ब्लश में बिगिनर्स जो लोग हैं उन लोगों के लिए ज्यादा रिकमेंड करूंगी, लेकिन मेरा दोनों के दोनों ही फेवरेट है। नेक्स्ट मूव ऑन करती हूँ ब्रॉन्जर पे। तो मेरे पास एक ही ब्रॉन्जर है, अगेन मैं ये वाला ब्रॉन्जर कोई ब्राइट के लिए ही ज्यादा रिकमेंड करूंगी। तो आप लोग देख सकते हो इसमें बीच में है शिमर एंड साइड में ब्रॉन्जर है। ब्रॉन्जर तो बिल्कुल पाउडर मैट फिनिश में आता है, लेकिन अगर आप पूरा इसको मिक्स करके अप्लाई करेंगे तो आपको ये शिमर भी मिलेगा। मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर का शेड दिखाती हूँ, बहुत ही हल्का है ब्रॉन्जर का शेड, तो इसके साथ अगर हल्का सा शिमर अप्लाई मतलब मिक्स होने के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ये जो ब्रॉन्जर है ये कोई भी ओकेशन पर्पस में आप लोग यूज कर सकते हो, एंड अगर आप ब्राइड हो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। इसका जो प्राइस है मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि एले गर्ल की ब्रॉन्जर हमेशा 50% ऑफ में रहता है, तो आपको बिल्कुल ये बिलो 500 में ही मिलेगा। मैं इसको बिलो 500 में ही परचेस किया था 50% फ्लैट 50% ऑफ में, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं मूव ऑन करती हूँ आई शेडोज पे। तो मेरे पास फिलहाल बिलो 500 उतना ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि मैं आपको वेट एंड वाइल्ड की पैलेट में जरूर रिकमेंड करती, लेकिन अभी वो मेरे पास है नहीं, मेरे दूसरे मतलब जगह पे रखा हुआ है। तो ये जो है ये मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट रिकमेंड करूंगी, मूज आई शेडो पैलेट है। तो जो लोग ब्राइड है ब्राइडल पर्पज के लिए ये बहुत ही सही वाला पैलेट है, या फिर न्यूली वेड जो ब्राइड है उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसका प्राइस है 349 रुपीज, एंड आप लोग देख सकते हो इसमें आपको कोई मैट शेड नहीं मिलेगा, जो भी शेड है इसमें इट्स अ काइंड ऑफ हाईली पिगमेंटेड ग्लिटर काइंड ऑफ शेड्स जिसको मूस शेड भी बोला जाता है। एक ब्रश भी मिलेगा,
और शेड्स आप लोग देख लो, एकदम ब्राइडल पर्पस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, हाईली पिगमेंटेड सारे के सारे शेड्स है। और अगर आप चाहो तो आप कोई भी मैट आई शेडो के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हो, आपका आईज का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बहुत ही अच्छा अच्छा कॉपर, रेड, ब्लू, येलो, हर तरह का आपको शेड मिलेगा, ब्लैक भी है। तो ये बहुत ही एक अच्छा आई शेडो, मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। एंड दूसरा, ऐसे आप सिंगल आई शेडो ले सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो, अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है आई शेडोज कैसे अप्लाई वगैरह करते हैं तो आप ऐसे सिंगल आई शेडो परचेस कर सकते हो। ये भी स्विस ब्यूटी का है। मेरे पास जो शेड है 02 ब्रॉन्ज, ये वाला कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें और भी काफी सारा शेड्स अवेलेबल है, ज्यादा पिगमेंटेड है, जस्ट लुक एट दिस। एंड इसके साथ एक छोटा सा मिरर भी आ जाता है। तो यस, ये मैं बिगिनर्स के लिए बहुत ही रिकमेंड करूंगी, एंड ब्राइडल पर्पस के लिए मैं ये वाला आई शेडो रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं आपको कुछ काजल एंड आईलाइनर मस्कारा मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे। तो मैं मस्कारा के लिए, मैं नायका की ये दो मस्कारा है, आपको ये 350 रुपीज में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी की मस्कारा है। एंड यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है कि ये वॉल्यूम के लिए है, ये कर्लिंग के लिए है, लेकिन मेरे ख्याल से आप कोई भी एक मस्कारा परचेस कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वालिटी की ये मस्कारा है, ये वाटरप्रूफ है बट ये ड्राई आउट नहीं होता है जल्दी से, तो बहुत दिन रहेगा आपके पास। दूसरा जो है मेरे पास, ये मेबलिन की है हाइपोकाल वाटरप्रूफ मस्कारा। मेरे ख्याल से मेबलिन की मस्कारा के ऊपर कोई भी मस्कारा अभी तक है नहीं मार्केट में, तो अगर आपको बिलो 500 में कुछ परचेस करना है, अगर आप ब्राइड हो तो आप आराम से ये वाला परचेस कर सकते हो। काजल के लिए अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो, दोनों की क्वालिटी एकदम टॉप क्लास क्वालिटी है। एक है डिस्गाइज कॉस्मेटिक्स की तरफ से ये वाला, दोनों ही ब्लैक काजल है, और दूसरा है बेलोरा कॉस्मेटिक्स की तरफ से। ये भी मैं न्यू परचेस की थी, मैं इसका पूरा रिव्यू है बेलोरा का, तो आप लोग देख सकते हो। ये जो दो काजल है, दोनों के दोनों ही सुपर्ब हाईली पिगमेंटेड है, जेट ब्लैक कलर है, फुल स्मच प्रूफ वाटरप्रूफ काजल है। अगर आप ब्राइड हो तो ब्राइडल पर्पज के लिए दोनों के दोनों काजल एकदम परफेक्ट है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ थोड़ा सा इसका पिगमेंटेशन। ये है डिस्गाइज कॉस्मेटिक्स का, लुक एट द पिगमेंटेशन एंड लुक एट द कलर, बिल्कुल जेड ब्लैक, प्रॉपर जेड ब्लैक काजल है, एकदम जैसे जेल काजल होता है वैसा ही है। बिगिनर्स के लिए भी अच्छा है, ब्राइड के लिए तो बहुत ही अच्छा है, एंड बिल्कुल सॉफ्ट, स्मूथ एंड बटरी है। ये बेलोरा का आप लोग देख सकते हो, जितना पिगमेंटेड ये है उतना ही सॉफ्ट, बटरी, स्मूथ है एंड बिल्कुल जेड ब्लैक कलर है। इसका प्राइस आई गेस 350 रुपीज ऐसा कुछ है, और ये 450 का आता है, और डिस्काउंट में अगर आप परचेस करेंगे तो आपको और भी कम में मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा कॉस्टली परचेस करेंगे तो वो आपके आईज के लिए भी अच्छा है, और लॉन्ग लास्टिंग होगा, स्मच प्रूफ होगा, वाटर प्रूफ होगा। तो जी हाँ, मैं आपको ये दोनों काजल ही बहुत ही ज्यादा रिकमेंड करूंगी। इस टाइम मैंने लिपस्टिक नहीं दिखाई थी, इस बार मैं कुछ लेके बैठी हूँ, तो सबसे पहले मैं लिक्विड वाला दिखा देती हूँ। मेरे पास जो अच्छा अच्छा ऑप्शन है, वेट एंड वाइल्ड का सबसे पहले मैं दिखाऊंगी। मेरे पास आप लोग देख सकते हो, मेरे पास दो शेड्स है, तो ये जो रेड शेड है डेफिनेटली मैं ब्राइट के लिए ही रिकमेंड करूंगी, और ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट एक शेड है। इस शेड का नाम है मिसी एंड फायर्स, ये 499 रुपीज में आ जाता है बिल्कुल। दूसरा है आप सब लोगों का फेवरेट शेड, गिव मी मौका, ये जो है ये मैं बिगिनर्स के लिए ही स्पेशली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये एक न्यूड शेड है, बहुत अच्छा इसका ये है, आप लोगों को तो पता ही होगा। सिर्फ शेड ही नहीं, इसका जो टेक्स्चर है आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल टेक्स्चर है, बिल्कुल लिप्स को ड्राई आउट नहीं करता है। ये शेड भी मैं स्वाच करके दिखाती हूँ मेरे हैंड्स में। ये मेरा थोड़ा सा खत्म ही हो गया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक ब्राइडल रेड शेड, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। अगर आप ब्राइड हो आप आंख बंद करके इसको ले सकते हो। इस बात करते हैं NYB लिपस्टिक का, ये इसका बिल्कुल स्वच्छ, सारे लिपस्टिक्स मेरे पास जो है उसका स्वचेस मेरे चैनल में किया हुआ है, लिंक डाल दूंगी, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई स्वचेस नहीं दिखा रही हूँ, बस मेरा जो दो फेवरेट शेड है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक है शेड नंबर 6 लेडीज नाइट, दूसरा है 15 स्नगल सीक्रेट। बहुत ही अच्छा क्वालिटी की लिपस्टिक्स है, बहुत ही कम प्राइस में, इसका भी प्राइस 400 रुपीज के आसपास है, बिलो 500 है, एंड बहुत ही कंफर्टेबल है, लिप्स को ड्राई नहीं करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रांसफर प्रूफ है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, ये अगेन ये भी NYB की तरफ से है, ये तो मैं ब्राइडल के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी। अगर आप कोई ब्राइड को अगर गिफ्ट भी करना चाहते हो शादी में तो ये भी आप कर सकते हो। एक तो इसका लुक्स बहुत अच्छा लगता है मुझे, कैप वगैरह जो है बहुत ही खूबसूरत है, लिपस्टिक भी बहुत ही अच्छा है। इसका भी मैंने रिव्यू शेयर किया था, एंड ये है इसका शेड। ये मेरे पास जो शेड है ये कुछ न्यूड शेड है, तो अगर आप बिगिनर भी हो आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर ये शेड। इस शेड का नाम है फैट फ्री स्टाइल,
नंबर 12, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा रेड शेड्स, पिंक शेड्स भी अवेलेबल है। फॉर्मूला इसका बहुत अच्छा है, लिप्स को बिल्कुल ड्राई नहीं करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है एंड सबसे अच्छा बात है बिलो 500 है। मूव ऑन करती हूँ लास्ट लिक्विड लिपस्टिक में, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, मेबलिन की तरफ से आता है, मेबलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक। अगेन इसका भी बिल्कुल स्वाचेस मेरे चैनल में किया हुआ है, आप लोग चाहो तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। दो शेड्स है मेरे पास, ये रेड जो शेड है मैं ब्राइट के लिए हाईली रिकमेंड करूंगी, इसका शेड नंबर है 03 फ्लश इट रेड, एंड ये जो है 11 मेड इजी, ये भी बहुत ही अच्छा एक क्या बताऊं मैं, टेराकोटा काइंड ऑफ शेड है, टेराकोटा न्यूट, जो कि हर एक स्किन में स्वीटेबल है। इसमें न्यूट शेड्स भी अवेलेबल है, मेरे वीडियो आप लोग जरूर चेक कर लीजिए, वहां पे पूरा स्वाचेस किया हुआ है। एंड इसका प्राइस है 399 या फिर 350, तो बिलो 500 है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी की, कंफर्टेबल, लाइट वेट, नॉन ट्रांसफर एंड बिल्कुल लिप्स को ड्राई नहीं करता है, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बुलेट लिपस्टिक एंड लिप क्रेयॉन। तो सबसे पहले लिप क्रेयॉन में आपको सजेस्ट करूंगी फेसेस कनाडा की मिनी लिप क्रेयॉन, ये आपको बिलो 500 में मिल जाएगा। इसका फुल साइज भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उसका प्राइस ज्यादा है, तो मैं आपको यही बोलूंगी आप मिनी साइज परचेस कीजिए। एक साथ आप दो तीन भी परचेस कर सकते हो, बहुत दिन तक ये चल जाता है, लेकिन हाँ इसको आपको शार्प करना पड़ेगा, आपको अलग से शार्पनर परचेस करना पड़ेगा। इसके साथ आपको कोई शार्पनर नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपके घर में कोई शार्पनर है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो इसका जो प्राइस है वो वही 399 ऐसे ही कुछ है। एंड इसमें मेरे पास जो शेड है आप लोग देख सकते हो, ब्लशिंग न्यूट, ये एक एवरीडे यूज के लिए बहुत ब्यूटीफुल एक न्यूट शेड है। एंड लुक एट द पिगमेंटेशन, हाईली पिगमेंटेड है। अगर आप एक बिगिनर्स हो एंड अगर आपके पास उतना लिपस्टिक नहीं है, बट यू इफ यू वॉन्ट टू परचेज सम लिपस्टिक, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट योर मनी ऑन दिस। ये ट्रांसफर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन पूरे गायब नहीं हो जाता है लिप से, तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, आप लोग आराम से परचेस कर सकते हो। दूसरा जो लिप क्रेयॉन है मिनी लिप क्रेयॉन, उसमें मैं कलर बार की कुछ लिपस्टिक्स है, जिसका अगेन स्वाच मेरे चैनल में किया हुआ है, तो मैं और कोई स्वाचेस यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी। बस यही बोलूंगी कि अगर आप ब्राइड हो, आपके लिए मैं ये दो शेड जरूर रिकमेंड करूंगी, प्रैंक 001 एंड दूसरा है सबोटेज, ये है 002। ये जो है आउटरेज, ये एक यूनिवर्सल न्यूट शेड है, जो कि हर एक स्किन टोन में बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, मेरे पास यहाँ पे एक आईलाइनर था जो मैं दिखाना भूल गई, तो ये शुगर कॉस्मेटिक्स का था एंड ये मेरा सेकंड वाला है। मैं पहले भी आप लोगों के साथ ये शेयर की हूँ कि ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है, स्केच आईलाइनर है। एंड इसका भी पिगमेंटेशन, जस्ट लुक एट दिस, एक स्वाइप में आपको फुल पिगमेंटेशन मिलेगा। अगर आप ब्राइड हो आप आराम से इसको परचेस कर सकते हो, अगर आप बिगिनर हो फिर भी आप आराम से इसको परचेस कर सकते हो, बिल्कुल एकदम वर्थ है। लास्ट में आती हूँ, यहाँ पे पर्पल का बुलेट लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा अच्छा शेड्स है, इसका भी मेरा फुल रिव्यू मेरे चैनल में किया हुआ है। इसका प्राइस 450 या 499 बिलो 500 में मिलेगा। ये बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ मैट लिपस्टिक है, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करता है। ये जो शेड है ब्राइट के लिए मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगी, बिल्कुल रेड शेड है, आप लोग देख सकते हो इसका पिगमेंटेशन, प्रॉपर मैट है, प्रॉपर मैट, बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ, वाटर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। इस शेड का नाम है 09 स्लीप ओवर कैंपेनियन 09, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। अगर आपको इसका पूरा स्वाचेस देखना है, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लीजिए। यहाँ पे एक मैं बहुत ही कम प्राइस में एक कंफर्टेबल क्रीमी मैट लिपस्टिक मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वो है स्विस ब्यूटी का। ये पर्टिकुलर शेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, 07 मॉफ ब्लश, इसका भी रिव्यू मेरे चैनल में रिसेंटली मैं की हूं, तो आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। ये मैट है लेकिन आपके लिप्स को बिल्कुल ड्राई नहीं करेगा, जो अल्ट्रा मैट वाला फिनिश होता है वैसा नहीं है, लेकिन ये मैट है, बहुत देर तक आपके लिप्स में रह जाएगा, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। ट्रांसफर होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बुलेट लिपस्टिक है, तो बहुत ही मतलब यू नो जनरल सी बात है, बट यस डेफिनेटली इट्स अ वर्थ 299 रुपीज है इसका प्राइस, बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, तो कोई भी बिगिनर्स के लिए मैं ये लिपस्टिक जरूर रिकमेंड करूंगी। एंड लास्ट जो मेरे पास है वो नायका की अल्ट्रा मैट लिपस्टिक की मिनी वर्शन है, एक है शेड दूसरा है मोनालिसा। तो ये वाला जो शेड है ये बहुत ही एक डार्क पिंक काइंड ऑफ शेड है, तो जो लोग ब्राइडल पर्पस में पिंक लिपस्टिक यूज करते हैं उन लोगों के लिए मैं बहुत ही रिकमेंड करूंगी, लॉन्ग लास्टिंग है एंड ये भी उतना ज्यादा ट्रांसफर नहीं होता है। इसका फुल साइज भी मार्केट में अवेलेबल है नायका में, अगर आप लोग चाहो तो परचेस कर सकते हो। तो फुल साइज का प्राइस तो आपको 600 के आसपास पड़ जाएगा, लेकिन डिस्काउंट में वो भी कभी कभी 500 में मिल जाता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप लोग मिनी वर्शन परचेस कर लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस कम होता है, ये आपको बिलो
आई गेस 300 रुपीज़ या फिर 350 ऐसे प्राइस में मिल जाएगा। बहुत देर तक ये लॉन्ग लास्ट करता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। 1.8 ग्राम के प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो कि बहुत दिन तक चलता है। एंड आप लोग देख सकते हो इसका फिनिश बिल्कुल प्रॉपर मैट फिनिश है, बहुत ही कंफर्टेबल है, लिप्स को ड्राई नहीं करता है, तो आप लोग इसको जरूर परचेस कर सकते हो। दूसरा जो शेड है मोनालिसा, ये मैं जो लोग बिगिनर्स है, जो लोग कॉलेज में पढ़ता है, जो एवरीडे वाला जो न्यूड शेड होता है, बिल्कुल वैसा टाइप का शेड है। एंड दिस शेड इज एक्चुअली माय पर्सनल फेवरेट शेड बिकॉज मुझे ऐसा शेड बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो लुक एट द शेड, इट्स अ परफेक्ट न्यूड शेड एंड जो कि बहुत सारे स्किन टोन में बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, इतना ही था फिलहाल मेरे आज के वीडियो में। एंड मुझे पता है कि वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है, बट बहुत सारे प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाई। तो यस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, मैं बहुत मेहनत करके बनाई हूँ, बहुत इतना सारा सामान चूज करने में बहुत टाइम लगता है, एंड वो भी हर एक प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है इसमें कि ये प्राइस इसका बिलो 500 है लेकिन प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी। तो यस, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ जरूर कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आपके पास कोई और रिक्वेस्ट है वो भी आप लोग मुझे जरूर बता सकते हो। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।